खबर झारखंड के देवघर से है, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल एक चलती ट्रेन पर एक पेड़ की शाखा गिर गई, देखते ही देखते मौके पर आग भी लग गई। इस दौरान ट्रेन का आवागमन भी प्रभावित हो गया। वहीं इस घटना के कारण घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बना। हालांकि इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं आई है। इस घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम आनन फानन में मौके पर पहुंची और किसी तरीके से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। तो ये तस्वीरें लगा तो पेड़ एकदम बाहर से ठीक है, अंदर से पूरा खोखला हो गया, एकदम पाइपलाइन जैसा बन गया। तो नीचे से आग लगा तो पेड़ का 70 मीटर ऊपर तक आग अंदर से अंदर चला गया। तो फायर ब्रिगेड आके कुछ देर तक तो कोशिश किया है, लेकिन अभी तक जो मैंने नीचे वाला आग है तो नीचे गाछ का तो वो उसको तो डिस्टिंग्विश किया गया, लेकिन ऊपर में अभी भी आग जल रहा है। उसको कोशिश किया जा रहा है कि जितना जल्दी हम लोग फायर ब्रिगेड को बोले हैं।